है, उससे भी तो पूछे, ऐ खुदा अगर मुझे कोई गाली दे मैं क्या करूं, ए मेरे अल्लाह अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं क्या करूं, ए मेरे अल्लाह अगर कोई मेरी गीबत करे तो मैं क्या करूं। अब खुदा की आवाज़ आ रही है, बहुत नूरानी आवाज़, बड़ी प्यारी आवाज़ कुरान करीम में, ऐ मुसलमान सुन, खुदा एक बात करना चाहता है, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाह लकुम। खुदा फरमाता ए मेरे बंदे क्या तू नहीं चाहता मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूं। हाय कोई बदबख्त जो जवाब न दे के जी मेरे अल्लाह हम यही चाहते हैं। कोई ऐसा बदबख्त नहीं जो इनकार करे। खुदा कहता है आजा मेरे बंदे मैं तेरे सारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार हूं, फकत एक शर्त है, फकत एक कंडीशन है, मेरे मालिक हर शर्त मुझे मंजूर है। ये गुनाहों का तो मुझे डर लगता है, गुनाह ही तो इंसान को पस्त दलील करते हैं, गुनाह ही तो कब्र को जहन्नम बनाते हैं, गुनाह ही तो कयामत की रुसवाई का सबब है। इससे बढ़कर क्या खुदा खुद ऑफर दे रहा है, खुद कर आजा मेरे बंदे मैं तेरे सारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार हूं, बस एक शर्त है उस पर तू कर ले। मेरे मालिक वो शर्त क्या है? खुदा फरमाता है वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाह लकुम। ए मेरे बंदे तू मेरे बंदों को बख्श दे ताकि मैं तुझे बख्श दूं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी देखिए कितना प्यारा ऑफ़र है, कितना प्यारा जुमला है, ए मेरे बंदे तू दूसरों को बख्श दे। अल्लाह अकबर। ये बख्शिश के महीने हैं, बख्शिश का महीना है। बख्श दें जिस जिससे भी आपको बुग्ज़ो नफ़रत है, बुग्ज़ो नफ़रत अल्लाह के लिए करें। अगर किसी से बुग्ज़ अपनी ज़ात की वजह से है, औलाद की वजह से है, पैसे की वजह से है, ख़ानदान की वजह से, क़ुरान कह रहा है तेरी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। अगर बुग्ज़ और ज़िद किसी के अंदर है उसे हिदायत भी नहीं मिलेगी, तौबा का दरवाज़ा भी उसके लिए नहीं खुलेगा। क्योंकि तौबा तो तब है जब अपनी गलती माने, जो ज़िद में है वो कभी गलती नहीं मानता, जो ज़िद में है और बुग्ज़ में है वो कभी हक को तस्लीम नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा देखिए हमारे मजहब की यही खूबी है, कोई अमल इबादत नहीं जब तक कुरान से साबित ना हो। अगर कोई काम भी आप करते हैं इबादत समझ के तो आपके पास दलील होनी चाहिए। कुरान में कहां लिखा है कि हम ये काम करें? हदीस सही में कहां लिखा हुआ है और अकली दलील क्या है? अजीजाने गिरामी याद रखिए अगर कोई काम भी आप इबादत समझ के कर रहे हैं लेकिन आपके पास कुरान की कोई आगत दलील में नहीं, हदीस सही कोई दलील में नहीं है, अकली दलील कोई नहीं है, तो वो अल्लाह की इबादत नहीं शैतान की इबादत कर रहे हैं। और मौत के वक्त इंसान पछताएगा। अगर कोई जिद में जिंदगी बर्बाद कर ले पूरी जिंदगी अबू जहल की तरह मर जाएगा, उसे हिदायत नहीं मिलेगी। क्योंकि जिद और बुग्ज जो है ये इंसान को काफिर बना के मारता है। चाहे जिंदगी भर नमाजी हो, चाहे जिंदगी भर आजादार हो, जिसके अंदर जिद है और जिसके अंदर बुग्ज है वो मोमिन होके नहीं मरेगा। ये कुरान कहता साल साइलुम बे अजाब वाकी लिल काफिरीन। लिहाजा कुरान भी ये कहता है कुल कह दो इनसे हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारा दीन सच्चा है, अगर तुम्हारा मजहब सच्चा है, अगर तुम्हारा अमल सच्चा है, अगर तुम्हारी इबादत सच्ची है तो दलील पेश करो। कुरान से दलील लेकर आओ, हदीस से दलील लेकर आओ, अक्ल से दलील लेकर आओ। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले अजीज। ये शैतान का तरफ से बहुत बड़ी चाल है, खतरनाक साजिश हो जाएगी और आपके नौजवान शिकार हो जाएंगे अगर हम ये बुनियाद न समझाएं। कोई चीज इबादत नहीं जब तक कुरान से दलील ना हो। देखिए दो फिरके, शुरू से मैंने अर्ज किया मुसलमानों को लड़ाने के लिए दो फिरके बहुत खतरनाक, एक खारजी जो मौला अली के दुश्मन है जिसे कुरान ने मुनाफिक कहा। यह खारजी सबसे बदतरीन कौम है और ये क्या अंडरग्राउंड चले गए, ये अहले सुन्नत में छुप जाते हैं। अहले सुन्नत के लोग सारे आशिके अहले बैत हैं मगर ये सुन्नियों में छुप जाते हैं। और इसी तरह से एक और नजिस फिरका है वो है नुसेरियों का। ये मुशरिक हैं, ये हजरत अली को खुदा कहते हैं, हजरत अली ने उन पर लानत की है, हर इमाम ने उन पर लानत की है। ये शियों में घुस जाते हैं। नुसेरी कभी नहीं कहता मैं नुसेरी हूं और खारजी कभी नहीं कहता मैं खारजी हूं, क्योंकि खारजी पर कुरान ने लानत की है और नुसेरी पर भी कुरान अहले बैत ने लानत की है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और ये क्या कराते, इनका काम है फितना कराना, इनका काम है मुसलमानों को लड़ाना, और ये कई ऐसी हराम चीजें ले आते हैं। होशियार रहिए, खुसूसन आजादारी में ये हमारे धोखा ना खाए कोई नौजवान। देखिए आजादारी हम जो करते हैं वो ऐन कुरान के मुताबिक है, आजादारी वही है जो कुरान के मुताबिक हो। अगर कुरान के खिलाफ है तो वो आजादारी इमाम हुसैन के लिए नहीं, वो इबादत नहीं, वो अल्लाह की इबादत नहीं, वो शैतान की इबादत। अब ये बहुत सारे नुसेरियों ने हमारे नौजवान को गुमराह करना शुरू किया। ये क्या करते हैं, आके अलम को सजदा करते, सजदा सिर्फ खुदा के लिए, ये कभी ताबूत को सजदा करते हैं। ये नुसेरी है, ये शिया नहीं, धोखा ना खाएं, ये मजहबे अहल बैत में हराम है सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। ये कभी जुलजना को सजदा करते हैं, भाई ये सब हराम है, आप सजदा सिर्फ खुदा को करें। ये मजहब को बदनाम करते हैं, क्योंकि अगर कोई वीडियो ले ले कि भाई शियों का जुलूस है और कोई एक जुलजना को सजदा कर रहा है तो क्या दिखाएंगे दुनिया वाले कि देखो भाई कुछ बुतपरस्त हैं, कुछ गाय को सजदा करते हैं और नऊज बिल्ला शिया जो है ये घोड़े को सजदा करते हैं। ये पूरे मजहब को बदनाम करने की साजिश है, कहीं कुरान में नहीं लिखा। देखिए हम जुलजना क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहां तक हमें शरीयत ने इजाजत दी है। रसूल खुदा ने कहा जिसने मां के कदमों को चूमा जन्नत को चूमा, कहा मेरी मां मर गई है, कहा जाके कब्र को चूमो, कहा मुझे कब्र नहीं पता, कहां है मेरी कब्र। रसूल खुदा ने एक शबी बनाओ, समझो कि तेरी मां की कब्र है और तू चूम ले तुझे सवाब मिलेगा। तो उलामा ने, क्योंकि पहले जमाने में हिंदुस्तान में कहीं लोगों के पास पैसा नहीं होता था करबला जाएं, नजफ जाएं, जियारत करने जाएं, तो इजाजत दी कि आप शबी बना सकते हैं ताकि आपको वो मंजर भी याद आए, आप गिरिया भी करें और आपको वो गम भी हो और आपको वो सवाब भी मिले, क्योंकि गरीब आदमी वहां जा नहीं सकता। और ये शबी जो है शरीयत से जायज है, शबी बनाना बिद्दत नहीं है, रसूल खुदा की सुन्नत है अजीजाने गिरामी। लेकिन शबी को सजदा करना ये शिर्क है, ये हराम है, ये गुनाह है कबीरा है, इस्लाम से इंसान को खारिज करने वाली चीज है। लिहाजा खबरदार रहिए, ये नुसेरी आजादारी के बहाने से हम में दाखिल हो जाते हैं। कहीं कुरान में नहीं लिखा कि आप सजदा किसी अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करें, सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। अगर कहीं इमाम बारगाह में कोई नुसेरी आ जाए और सजदा करे, आप हरगिज उसे इजाजत न दें। ये फैले हराम है, ये गुनाह है कबीरा है, आप पर देखने वाले पर भी गुनाह है और जो वहां सदर हैं मसूलीन हैं, क्योंकि पूरे मजहब को ये बदनाम कर रहे हैं। ये नुसेरी है, इनसे खबरदार रहिए, ये शिया नहीं है, सजदा सिर्फ खुदा को है। फिर ये कहते नहीं सजदा जो है तहजीमी हो सकता है, क्योंकि हजरत आदम को तहजीमी सजदा हुआ था। धोखा देते हैं, लोगों की जहालत से फायदा लेते हैं कि भाई हजरत आदम को सजदा हुआ था। ऐ अकल के अंधो, हजरत आदम को सजदा फरिश्तों ने अपनी मर्जी से किया था या खुदा के हुक्म से किया था? सजदा खुदा के हुक्म से किया था, ना कि अपने मर्जी से किया था कि तुम हर एक को सजदा करते रहे। क्योंकि असल क्या है, ये नुसेरी जो है अपने पीर को भी सजदा करते हैं, अपने पीर को, इनके जो पीर जिंदा हैं उनको भी सजदा करते हैं, लिहाजा उन्होंने इन्हें गुमराह किया है। वरना लोग कहेंगे देखो ये खुद को सजदा करवाता है। तो उसने कहा जी तहजीमी सजदा हो, घोड़े को भी कर सकते हो और अलम को भी कर सकते हो, ताबूत को भी कर सकते हो, ताकि वो जवाब पैदा करे जो मुझे सजदा किया जा रहा है वो सही है, हालांकि वो भी हराम है, वो भी कुफर है, वो भी शिर्क है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले में तो लिहाजा ये आजादारी के बहाने से शिर्क और कुफ्र की दावत दे रहे हैं, खबरदार रही। और यही लोग हैं जो फितने का सबब, यही लोग हैं जो बुलंद आवाज से तबर्रा करते हैं, खुले आम तबर्रा करते हैं। ये कुरान के खिलाफ है, कुरान की सरीहन आयत है, किसी के झूठे खुदा को बुरा भला मत कहो, कहीं कोई तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला न कहे। ये कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं, और जो चीज कुरान के खिलाफ है वो अल्लाह की इबादत नहीं, शैतान की इबादत। ये तबर्रा करके शैतान की इबादत कर रहे हैं, ना कि खुदा की इबादत। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, को बताया गया कि एक शख्स ने किसी फिरके के इमाम को बुरा भला कहा, उसके नतीजे में जिद में आकर उन लोगों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। इमाम सख्त उनसे बेदार हुए, कहा यह मुजरिम है जिसने किसी फिरके के इमाम को बुरा भला कहा, यह मुजरिम है कि उन्होंने जवाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। अजीजा ने गिरामी, लिहाजा ये कुरान के खिलाफ है, तबर्रा करना, तबर्रा रोड बनाना, ये सरासर कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप किसी को गाली देंगे तो क्या आप वो आपकी बात सुनेगा? ये तो तबलीग
से भगाने वाली बात है, ये तो डिसयूनिटी पैदा करने की बात है। मैंने कहा शिया हजरात इन नुसेरियों से खबरदार रहे और सुन्नी हजरात खारजियों से खबरदार रहे, क्योंकि खारजी हजरत अली को तो बुरा भला नहीं कह सकते, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत अबू तालिब को बुरा भला कहते। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इबादत वो है जो कुरान के मुताबिक हो, जो हदीस के मुताबिक, और जो अली से अली अलैहिस्सलाम से बुग्ज़ रखता है मुनाफिक है। कई हदीसें हैं अहले सुन्नत की किताबों में कि सबसे बदतरीन दर्जा जहन्नुम में मुनाफिक का है। और रसूल खुदा वो हदीसें सारी इंशाल्लाह टीवी पर हवाले आते चले जाएंगे, सारे अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा कि वो मुनाफिक है जो हजरत अली से बुग्ज़ रखे, ये रसूल खुदा ने फरमाया। और इसी तरह से जिसने अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, रसूल खुदा ने कहा उसने मुझे बुरा भला कहा, और जिसने रसूल खुदा को बुरा भला कहा उसने खुदा को बुरा भला कहा, वो दीन से खारिज हो जाता है। तो नुसेरी भी नजिस है, ये भी दीन से खारिज हैं, और इसी तरह से ये खारजी भी दीन से नजिस हैं, और ये दोनों छुपे हुए होते हैं, ये दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। ये नुसेरी कभी सादा या बेवकूफ़ शायरों को या दुनिया परस शायरों को इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे अशआर कहें जो नुसेरियों की तारीफ हो। नुसेरियों की मुजम्मत की, हर इमाम ने उन पर लानत की है। जो अली अलैहिस्सलाम को खुदा कहे वो मुशरिक है, वो नजिस है, उसके हाथ का खाना पीना जायज नहीं है। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा शायर हजरात से भी अपील है कि वो ये गलती ना करें, वो भी इन गुनाह में शरीक हो जाएंगे कि नुसेरी काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले लानत है। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए जिदान करें, खुदा की बारगाह में चलें। मेरे अल्लाह, अगर हम में से किसी के दिल में बुग्ज़ या ज़िद की निजासत है तो ऐ खुदा इमाम हुसैन की मज़लूमियत के सदक़े में इस निजासत से सारे मोमिनीन सारे मुसलमीन को निजात अता फरमा। क्यों बुग्ज़ और ज़िद की वजह से किसी फ़िरके का बुग्ज़ हो जाए, किसी शख्स का बुग्ज़ हो जाए तो इंसान हक को कबूल नहीं करता। हक को वही कबूल करते हैं जिनके दिल में बोग्ज़ ना हो, जिसके दिल में ज़िद ना हो। ये हिदायत को रोकने वाली निजासतें हैं, एक बोग्ज़ है और एक ज़िद है। ऐ खुदा इन दोनों निजासतों से हम सबको निजात अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जे فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سم لك يا الله या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह مجيبا دعوة المضطرين أي مزدرى پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ عزیز و شب عاشور حضرت قاسم کی ماں بہت مزدر پریشان تھی قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی تھی بیٹے
अगर हसन आज जिंदा होते मैं परेशान न होती। गल कुर्बानी का दिन है मेरे लाल, गल शजाअत के जौहर दिखाना। अगर तेरी शजाअत में किसी ने कमी देखी बेटे, मेरा मसला नाजुक है, मैं सैयद जादी नहीं हूं। कहीं लोग मुझे ताना न दें, ये दूध का असर है। गासिम फरमाते अम्मा चचा जान से इजाजत दिलाना आपका काम है, और कुर्बान होना मेरा काम है। ये बातें सुनकर कासिम को नींद नहीं आई। कासिम चले गए हुसैन के खैमे में, मौला हुसैन सजदे में थे। कासिम ने पांव पे हाथ रख दिए, हुसैन महसूस किया कोई बच्चा मेरे करीब आया है। हुसैन सजदे से सर हटाया, उठाया जैसे कासिम पे नजर पड़ी, दिल तड़प गया गोद में लिया। भाई हसन याद आए, हाय भैया हसन मैं जंगल में अकेला रह गया। कासिम को चूम रहे हैं, कासिम तुझसे भाई हसन की खुशबू आ रही। कासिम कह रहे हैं जजा जान एक सवाल करने आया हूं। इमाम हसन फरमाते हैं बेटे इस वक्त तुझे सोना चाहिए था, माँ के पास होना चाहिए था। गाजिम फरमाते अम्मा से कुछ ऐसी बातें हुई मैं परेशान हो गया। हाय मौला मैं पूछने आया हूँ, कल के मरने वालों में मेरा नाम भी मौजूद है या नहीं? 13 बरस का बच्चा पूछ रहा। हुसैन कभी पेशानी झूमते हैं, कभी हाथ झूमते हैं, जवाब नहीं देते। बच्चा कह रहा चचा जान बताए ना, कल मरने वालों में मेरा नाम मौजूद है। हुसैन ने फरमाया कासिम तुम तो बड़े हो, कल के मरने वालों में तेरे भाई अली असगर का नाम भी मौजूद है। हाय बस इतना सुनना था, हाशमी खून गैरत में आया, एक मर्दबा गड़ाई ली, जोश में आके का जचा जान क्या ये बेहया फौज खैमे में दाखिल हो जाएगी? क्या ये अली असगर के गहवारे तक पहुंच जाएगी? हुसैन को प्यार आ गया। हुसैन ने मुंह चूम लिया, फरमाया कासिम तेरी जिंदगी में किसको मजाल है कि वो खैमे में आए? बस अजीजो आशूर के दिन कासिम की कुर्बानी का वक्त आया। तारीख लिख दिए कासिम इतने छोटे थे कि खुद से घोड़े पे बैठ न सके। हुसैन ने घोड़े पे बिठाया। अब कासिम मैदान में चले गए,
मौला हुसैन रेत के टीले पर बैठ गए, हुसैन की नजर कासिम पर है और ज़ैनब खैमे के दर पे खड़ी हो गई। ज़ैनब की नजर हुसैन पे है और कासिम की माँ मुसल्ले इबादत पे है। कासिम की माँ की नजर ज़ैनब पे है। हाँ ये नजरों का तार बंधा हुआ है। उधर कासिम घोड़े से गिरे, इधर हुसैन रेत के डीले से गिरे। हाय ज़ैनब खैमे के दर से गिरी, कासिम की माँ सजदे में गिरी। मेरे अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल कर। अज़ीज़ों कासिम इतने छोटे थे, जितने शहीद घोड़ों से गिरे सबने कहा मौला अदरकनी मौला अदरकनी। मगर कासिम इतने छोटे थे, जब घोड़े से गिरे फरियाद बुलंद की अम्मा मैं गिर गया। हाय मैं कुर्बान हसन का यतीम घोड़े से गिर गया। हुसैन अब्बास मदद के लिए आगे बढ़े, मगर क्या कयामत हो गई, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ जले गए। ओ बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ जले गए, कासिम की लाश पमाल हो गई। मेरा सलाम हो उस शहीद पे, ओ जिसके दाएं तरफ की बसलियां बाएं तरफ जली गए, और बाएं तरफ की बसलियां दाएं तरफ निकल गए। मेरा सलाम हुसैन के जिगर पे, मौला हुसैन ने अबा को बिछाया। ये हुसैन का दिल था, कासिम की लाज के टुकड़े उठाए। मुझे नहीं मालूम कैसे लाश उठाई होगी, शायद नजब की तरफ मुंह किया होगा, फरियाद की होगी या अली मदद। हाय बाबा मेरी मदद करें, कटी हुई उंगलियां उठाई, कटे हुए बाजू उठाए, कटे हुए पांव उठाए, गोश के टुकड़े उठाए। हाय गठड़ी बांधी पीठ पे रखी, मगर अदादारों ये वो लाश है, हुसैन खैमे में नहीं लाए, बल्कि खैमे के दर से आवाज दी, अम्मा फिजा अम्मा फिजा जरा ज़ैनब को बुलाना। ज़ैनब आ गई, मौला हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब कासिम की लाश लाया हूँ, मगर माँ को न दिखाना। ज़ैनब की आवाज आई, हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, कासिम की लाश कहाँ है। हुसैन ने फरमाया ज़ैनब ये जो पीठ पे गठड़ी देख रही हो, इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। अज़ीज़ों मक्तल का जुमला है,
हुसैन ने आखिर में क्या काम किया था, जब कासिम भी शहीद हो गए, जब अली अकबर भी शहीद हो गए, हुसैन ने अकबर और कासिम को दोनों को साथ साथ रखा। जब दोनों शहीद हो गए, हुसैन ने क्या किया, एक हाथ कासिम की लाश पे रखा, दूसरा हाथ अकबर की लाश पे रखा और आसमां की तरफ निगाहें बुलंद करके कहा, वाह गुरबत आए खुदा हुसैन गरीब हो गए, न मेरा अकबर रहा न मेरा कासिम रहा। यदि तो ये मसाए का जुमला, एक जाकिर जिसका नाम सैयद महदी था, वो मौला हुसैन के रोदे में पढ़कर राए, ख्वाब में सो गए, कहते ख्वाब में मैंने क्या देखा, एक काले बुर्गे में बीबी है, फरमाती है मसैयद मदी मुझे बचा लो, मैं हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा हूँ। जाकिर कहता है मैं उठ के बैठ गया, अदब से हाथ जोड़े, बीबी ने फरमाया ये रिवायत के जुमले फिर कभी हुसैन के रोजे में न पढ़। मैंने कहा बीबी क्या रिवायत गलत है, फरमाया नहीं रिवायत गलत नहीं, मगर जब तूने पढ़ा हुसैन अकबर और कासिम की लाश के दरमियान बैठ गए, एक हाथ अकबर की लाश पे रखा, दूसरा हाथ कासिम की लाश पे रखा और फरमाया मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गया, उस वक्त से लेकर अब तक मेरा हुसैन रोजे में बेहोश है। आ मैं होश मिलाती हूँ मगर फिर कहते वाह गुरबत आए खुदा, वो करबला वो कासिम अकबर की लाश, हुसैन बार बार गश खा रहे हैं मातम हुसैन। अस्सलाम अला हुसैन, ولا دل حسین